आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई हर्ड कि दिस मस्ट बी कि एशियन की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स सारे फ्यूजन बनाए जा रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ ओनली एशियन फूड्स एंड वी हैव हार्डली एक्सप्लोर्ड एशिया यू नो. सो मुझे नहीं पता कि कहाँ की स्पेशलिटी ऑथेंटिसिटी हो सकता है. सो मुझे वो डिफरेंट पता चलेगा जो पता है, जैसे चाइनीज डिमसम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स मुझे वो पसंद है, मैं वो सब चीज़ें खाऊंगी. एंड वेज में बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम अ वेरी फूडी पर्सन. आई वुड लव टू कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेगी एंड मैं उसको एक्सप्लोर करूँगी. सो या बंगाली फूड के अलावा आई लाइक ऑल काइंड ऑफ इंडियन फूड एंड चाइनीज ऑल टाइम्स. आई कैन हैव एनी थिंग एनी टाइम एंड लाइक चाइनीज एंड एवरीथिंग. बट येस नाउ आई एम लाइक डिफरेंट डिफरेंट लाइक बॉइल्ड स्टफ एंड लॉट ऑफ गुड सलाड्स. आई लाइक दोज काइंड ऑफ स्टफ. या आई बी ऑनेस्ट, मैं भी इस लॉकडाउन के टाइम पे आई हैव स्टार्टेड लर्निंग. लाइक मुझे खाना बनाना नहीं आता जो कि बहुत प्राउड बात नहीं है एंड आई एम लर्निंग बिकॉज लॉकडाउन में मुझे इंटरेस्ट आया कुकिंग के टाइम पे, घर में बैठे थे तो तब मैंने थोड़ा बहुत यू नो पनीर की भुर्जी एंड पनीर की डिफरेंट डिफरेंट डिशेज विच इज़ वेरी इजी यू नो लिटिल बिट सब्जी भिंडी. तो बहुत कम डिशेज मुझे पता है जो मैं खाना बनाती हूँ. अदरवाइज आई एम फूडी, मुझे खाना बनाने से खाना खाना अच्छा लगता है. धमाल तो एक कैरेक्टर है नैना जो कर रही है शो में एंड द वे शी इज़ लाइक शी इज़ मैड, शी इज़ साइको एंड शी इज़ यू नो है वो ऑब्सेस्ड है, वो हर चीज़ में है, नेगेटिव है हर चीज़ करियर. मैंने अपने करियर में जितने अभी तक किरदार मैंने प्ले किया ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. तो लोगों को ये बहुत पसंद आया है एंड लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आई एम ग्रेसफुल यू नो क्योंकि शो में ऐसे ऐसे ऑफ कैरेक्टर को पसंद करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. पर लोग पसंद करें मतलब कहीं ना कहीं मेरी जो मेहनत है, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो काम आ रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी. बहुत ज़्यादा बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स टेक्स्ट डीएम्स कि कब नैना वापस आ रही है, कब वो धमाल करेगी एंड व्हेन शी इज़ गोना कम बैक एंड एवरीथिंग. सो यस उसके लिए तो मैं भी वेट ही कर रही हूँ. लेट्स सी कि होपफुली कि वो मेकर्स कुछ सोच रहे होंगे, होपफुली कि कुछ अच्छा ही आए, अदरवाइज कुछ अच्छा ही होगा जैसे कुछ ना कुछ मैं करती आई हूँ अभी तक. यही कहूँगी कि जो आपने मुझे जिस तरह से अप्रिशिएट किया है एज इशिता गांगुली की हर कैरेक्टर को, हर किरदार को ऐसे ही करती रहेगी. आप हैं तो हम हैं. सो जस्ट कीप लविंग मी द वे यू लव. लॉट्स ऑफ लव इशिता गांगुली. थैंक यू.